चाचा एक खांसी की दवा देना। चोर चोर चोर, अरे पकड़ो उसको, अरे पकड़ो उसको, मेरी बोतल लेके भाग रही है, पकड़ो 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 चोर, अरे मेरी बोतल। चोर कहीं की, अरे हिम्मत तो देखो इसकी, इसको पुलिस का हवाले करते हैं ये। क्या नाम है तेरा, बोल नाम क्या है? चोरी क्यों की? जेल में डालू तुझे? क्या चुराया था? मेरी गली आ गई है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं छोड़ता हूँ ना, मैंने कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी। दोबारा चोरी नहीं करना, ठीक है? जाओ। डांटने नहीं है, पापा को बुलाओ, उनसे बात करनी। वो घर पर नहीं है, काम पर गए। कोई बात नहीं, हम रुकते हैं। वो थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें आने में। ठीक है, हम रुकते हैं, उनसे बात करना जरूरी है। मात्रे इतली, जब तक मैं ना बोलू ना दरवाजा मत खोलना। बिल्कुल दीदी। वरना तुझे पता है ना क्या होता है? मेरी बाबू, अपना ख्याल रखना। साहब वो लोग बहुत दिन से दिखे ही नहीं। हाँ साहब, सभी लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, किसी का ध्यान गया ही नहीं। साहब मेरे को तो लगता है कि उसके माँ बाप और उस छोटी लड़की को जाके बहुत टाइम हो गया। कोई इतनी छोटी बच्ची को रख के गांव जाता है क्या? सर
परी बेटा यहाँ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? गाँव गए। तो पहले झूठ क्यों बोला कि काम पे गए हैं? ऐसे। ये कौन? तुम्हारी छोटी बहन? हाँ। ये कहाँ है? वो भी माँ पापा के साथ गाँव गए। छुट्टी है ना तितली की? तुम्हें अकेले छोड़ के? हाँ। मात्र इसके गाँव चल के इसके माँ बाप से बात कर दे। इतनी छोटी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ के गए? मैं छोटी थोड़ी ना हूँ, 12 साल की हूँ। फिर भी बात तो करनी पड़ेगी ना। चलो मात्र। रुको, वो तरस पता नहीं कहाँ गए, कहीं तो गए, पता नहीं। क्या माँ बाप वाकई इन छोटी बच्चियों को छोड़कर कहीं चले गए थे या फिर उन्हें कुछ हो गया था? परी ने अपनी बहन को अलमारी में छिपा कर रखा था, पर क्यों? क्या दुनिया से झूठ बोलती आई इस 12 साल की लड़की का अपने माँ बाप के लापता होने से भी कोई संबंध था? तुमने आखिरी बार कब देखा था माँ और बाबा को और तुम्हारी छोटी बहन तितली को? वो मैं। क्या बेटा, सच बताओ। माँ और तितली 15 दिन से बाहर गए और बाबा उससे पहले से गए, लेकिन वो जाते रहते। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है? तब तक हम ये फोटो ले जा रहे। मात्रे, आ फोटो के, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना हो। कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ बड़े होंगे तुम्हारा ख्याल रखने के। मैं भी तो बड़ी हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब तक इतनी भी बड़ी नहीं हुई, तुम्हें आना पड़ेगा रूल से। ले चलो इसे। मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, छोड़ो, चलो छोड़ो, मुझे यहीं रहने दो, नहीं जाना मुझको, छोड़ो छोड़ो। दीदी मुझे छोड़ के जा, दीदी मुझे मत छोड़ के जा, दीदी मुझे मत छोड़ के जा। बाप का नाम किशोर यादव है, उसका फोन नंबर मिल गया है, माँ के पास शायद फोन नहीं है। लोकेशन ट्रैक करो पिता के फोन की, फोटो सर्कुलेट करो और बच्ची के साथ बात करते रहो। सर, लगता है चाकू से वार हुआ है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मुझे नहीं रहना है, जाने दो मुझे, मेरे माँ और बाबा आ चुके होंगे, मुझे कितनी डांट पड़ेगी, जाने दो, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। तितली, जब तक मैं ना बोलू ना, दरवाजा मत खोलना। बिल्कुल दीदी। वरना तुझे पता है ना क्या होता है? दीदी भाजी है, दीदी आएगी, हमें उंगली लेंगे। तितली, अपनी बड़ी बहन को माफ कर दे। मैं आ रही हूँ तितली, मैं आ रही हूँ। डेड बॉडी की अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, कौन था, कहां से आया, कुछ भी नहीं। नो बटवा, नो फोन, और बॉडी के आसपास भी कुछ भी नहीं मिला। शर्मा, तुम एक काम करो, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो डिस्पैच करवाओ और देखो कि शायद किसी ने इसके बारे में कंप्लेन दर्ज की हो। यस सर।
सर समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है, बार बार घर जाने की रट लगा रहे। सर बच्चे की हेल्थ रिपोर्ट। कुपोषण सर, बच्ची अंडर नरिश्ड। इतने दिन कम खाने से हुआ ये। कब सिर्फ चुराया था ना, जब तुमने उसे पकड़ा था। यस सर। अरे साहब लड़की छोड़े, इसने बोतल चुराए। तो लेकिन इसमें तो कोई खांसी का जिक्र नहीं है। एग्जैक्टली, तो कफ सिरप किसके लिए? क्या किसी और के लिए लिया? क्या सर कहीं उसे कफ सिरप की लत तो नहीं लग गई? उस दिन भी उसके घर में ऐसे लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही। मतलब? मतलब सर वो बार बार, सॉरी। हेलो, क्या पूरा सेंटर ढूंढा, कहीं भी नहीं मिल रही है। तो गई कहाँ? और आप लोग कहाँ थे? माफ कर दीजिए सर। माफ कर दीजिए, आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को भी थी और सुबह के नाश्ता भी किया उसने, उसके बाद वो कमरे में नहीं मिली। कैसी सिक्योरिटी आप लोगों की? एक 12 साल की बच्ची ऐसे कैसे जा सकती है? कितना खतरा होगा उसे इस शहर में अकेले। अंकल, अंकल, ये कौन सा रास्ता है और मीना नगर जाने का कौन सा रास्ता है? एक काम करो, आप यहाँ से राइट ले लो, आ जाएगा। ठीक है जी। रिलैक्स, सब ठीक है। तितली ठीक है, तितली हमारे पास, हम सही वक्त पे पहुंचे। छोड़ के चली गई थी, उसके लिए अपने पैड़ी बहन को माफ कर दे। ठीक है दीदी। मेरी बात ध्यान से सुन, वो जो भी हुआ था ना, हाँ? किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर तू बताएगी ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है दीदी। तू मेरी प्यारी बाबू है ना, अपनी बहन से प्यार करती है ना? हाँ। सर वो क्लिनिक में है अपनी बहन के साथ, लेडी कांस्टेबल को भी वहीं पे रख। आपने तुमने कहा कि बौखलाहट में बहुत कुछ बोले, क्या बोल रही थी वो एग्जैक्टली? सर मेरी तितली को बचा लो, वो लोग उसे उठा के ले गए। मेरी तितली को वो लोग कुछ भी कह सकते। मतलब उसे लगता है कि कोई तो है जो तितली को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कौन हो सकता है? उस दिन भी उसने झूठ बोला कि तितली अपने माँ बाप के साथ बाहर गई, जबकि तितली अलमारी में बंद थी। सर मुझे लगता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही। सर पहली बार जब मैंने उसका पीछा किया था, उसने पूरा घर लॉक करके रखा, मुझे लगा चोरी किया है इसलिए, पर अब तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी बहन को छिपाने के लिए ऐसा किया। आपने घर के आजू बाजू चौकशी करा, देखो उनके माँ बाप के साथ संबंध कैसे थे, क्या बेटियां माँ बाप से डरती थी, पूरी फैमिली की हिस्ट्री निकालो। सर चलो। कॉन्स्टेबल मात्र को आप ही ने बताया था कि बच्चियों की माँ को आपसे प्रॉब्लम थी? परी और तितली की माँ लता पड़ोस के अरुण के यहाँ लगातार जाया करती थी। पहले मेरे को लगा बच्चियों पे ध्यान नहीं देती, इसीलिए मैं उसकी बच्चों से हंस बोल लेती थी। और कुछ? लगता है पैसे का प्रॉब्लम था, रोज झगड़े होते थे, मेरे घर में सब आवाजें आती थी। चिल्ला मत तू, मुझे क्या पता था कि पैसे ऐसे अचानक से डूब जाएंगे। एक तो वो लोग आके धमकी देके जा रहे हैं, ऊपर से दे रहे हैं नाटक। लेकिन साहब कितना भी प्रॉब्लम हो, दूसरे मर्द के साथ चक्कर वगैरह वो सब तो ठीक नहीं है ना साहब। अब अरुण को छोड़िए, आगे वो जो बनिए की दुकान है ना, वहाँ का बनिया कुछ ज्यादा ही मेहरबान था लता पर, फ्री में सामान देता था साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कभी भी पैसे नहीं लिए। क्यों, कोई ना कोई तो चक्कर होगा ना साहब? कुछ नहीं साहब, वो तो लोग तो यूं ही खाली पीली फुकट में
ए चुपचाप पूरा सच बता दे, वरना तुझे फुकट में थाने ले जाके फुकट में तुझसे क्या क्या उगलवाएंगे ना, तूने सोचा भी नहीं होगा। चल बोल। वो लता अकेली थी साहब, उसको मरद चाहिए था तो हम दोनों, मतलब इसमें तो मेरा कुछ गलती नहीं है ना साहब। वो लता का पति, वो जानता था तुम दोनों के बारे में? वो अगर जानता भी तो वो कुछ नहीं करता साहब, वो हरा हुआ खिलाड़ी था साहब, उसको शराब गटकने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था साहब। क्या मस्त दिख रहे ले रहे। ए, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? क्या खुल्लम खुला छेड़ रहा लड़की को? तेरे को छेड़ू क्या? जा चुपचाप घर जा अपनी बीवी के पास। ए, तू अपना देख, दो टके का मेरे को बोलेगा? साहब मैं तो उधार पर उनको सामान देता था, मेरे भी बच्चे हैं और मुझे पता है उनकी दो बच्चियां हैं। मैं नहीं चाहता था कि उनको भूखा सोना पड़े। साहब उनका वो बाप एकदम का बेकार आदमी किशोर, किसी की मदद करना अपना फर्ज बनता है ना साहब। इसका मतलब किशोर ना तो जिम्मेदार पिता था ना जिम्मेदार पति था, ऊपर से उसे शराब की लत थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, इसलिए उसने अपने पत्नी को मारकर और खुद गायब हो गया? उल्टा भी हो सकता है, पत्नी ने अपना काबू खोकर अपनी बेटियों को बचाने के लिए पति को मार दिया हो। सर किशोर जाधव के फोन रिकॉर्ड्स। सर उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन वापी की। अभी वापी के लिए निकलो, लोकल पुलिस से बात करो, देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इस एरिया के आसपास। ये केस जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा, बेचारी इन बच्चियों का भविष्य दांव पर है। हो सर। अरे मेरी बाबू बैठ जा। दीदी मेरी दवाई तो घर पे रह गई, अब क्या करें? फिर आप भी नहीं सो पाओगे रात को और मैं भी नहीं। तितली तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ तू ज्यादा बोला मत कर, तू बात करेगी ना तो तुझे वापस से खांसी हो जाएगी, ठीक है? इस आदमी को देखा? हाँ साहब, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आया था, खा रहा था यहाँ पे बैठ करके, इतने में दो गुंडे आए उसे मार मार के ले गए, मेरे पैसे भी नहीं दिए इसने। क्या रे किशोर भाई, पैसा देता हूँ ना भाई, भाई अरे एक एक पैसा लौटाएगा भाई, एक एक पैसा लौटाएगा। बहुत भरोसा किया तेरे पे, पर अब नहीं, एक एक पैसा करके कितना लिया मालूम तू? जानता हूँ ना भाई। पैसा कब देगा भाई? बच्चों के खत्म खाता हूँ भाई, दे दूंगा पैसा। वो दोनों गुंडों की शक्ल याद है, ब्यौरा दे पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मैं बता सकता हूँ। इसी केस की तो जांच कर रहे हैं, लेकिन इसकी डेड बॉडी मिली हमें। पहचानते हो इसे? ये वो किशोर है साहब। पक्का? हाँ साहब। सर बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई, वापी पुलिस उन गुंडों को ट्रेस करेगी। हमारे पास गुंडों का डेटाबेस है, कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीबी का एंगल भी चेक करना चाहिए। और ये दोनों, ये अरुण उनका पड़ोसी और मोहन जो बनिया है, सब मिले हुए लगते हैं। हो सकता सर, लेकिन पहले हमें परी और तितली को बताना होगा उनके पिता के बारे में। फिर से साफ करने पड़ेगा। अरे बेटा इधर आ जाओ, कितने बार बोला ठीक से रखा करो, तुम्हें लग सकता था ना। क्यों डांट रही है? ये मेरी छोटी बहन है, दिखाई नहीं देता कितनी छोटी है वो? उसको डांट नहीं रही, उसको समझा रही हूँ। नहीं गलत है उसको समझाने की, वो मेरी बहन है, समझे तुम? जाओ यहाँ से। पागल है क्या तुझे? यहाँ पे पागल खाने पे होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए। पागल है तुम, मेरी बहन नहीं आ रहा है तुझे? क्या कर रही है? और जरा बाहर जाइए, बच्चों से कुछ बात करनी है। बेटा तुम्हारे बाबा मर चुके हैं। दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा, दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा। और माँ? माँ का कुछ पता नहीं चला है, हम उसे ढूंढ रहे हैं।
कुछ नहीं सर, परी की आंख से एक आंसू तक नहीं निकला, उसके चेहरे पे थोड़ा भी दुख नहीं। तुम्हारे बाबा मर गए। दीदी बाबा, दीदी, दीदी बाबा। सर क्लियर है, परी के अपने बाप के साथ बिल्कुल नहीं जमती। हो सकता है किशोर का बर्ताव हद से बाहर चला गया और लता ने अरुण और मोहन दोनों को बहला फुसला कर उन्हीं के हाथों किशोर को मरवाया हो। ये अरुण और मोहन के फोन रिकॉर्ड्स हैं? जी सर, उनके मोबाइल के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स भी आ गए, जहां मर्डर हुआ उसके आसपास भी नहीं थे। तो इसके अलावा सर उनके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला है जिसे हम लता के साथ कनेक्ट कर। हेलो, आपते हमने उन गुंडों को ट्रेस कर लिया है, एक का नाम शिव सिंह और दूसरे का नाम धर्म कुमार है। हमारी टीम उनको लेकर निकल चुकी है, दहानु पहुंचते ही होंगे। इससे पहले अपन ने इसको नहीं देखा है साहब। झूठ बोलता है हा? ये तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं। तुम वही थे जहां किशोर का कत्ल हुआ था। अब भी तू झूठ बोलेगा? अब भी तू झूठ? सब सच बता दो साहब, सब सच बता दो। बोल साहब, उसमें बहुत सारा कर्जा बाकी था साहब, उससे वसूली करने का था अपने को, लेकिन वो मर गया साहब अपने हाथ से। ये किशोर, रुक रुक ताला, रुक रुक। उसके साथ क्या किया? उसके बारे में जानते थे, किशोर के बारे में था, उसकी बीवी का क्या हुआ नहीं, वो पुलिस को नहीं मालूम। मां को समझाओ। हाँ, लेकिन अगर माँ नहीं मिली तो दोनों बच्चियों का अडॉप्शन करवाना होगा। लेकिन ऐसी फैमिली मिलेगी कहाँ जो इनको एक साथ अडॉप्ट कर ले? 99% तो दोनों बच्चियों को अलग अलग घर में ही भेजना पड़ेगा। तितली तो छोटी है, वो अडॉप्ट हो भी जाएगी, पर मुझे टेंशन है परी की। वो बड़ी है और काफी गुस्से वाली है, शायद से उसको ऑर्फनेज भी भेजना पड़े। देखते हैं। दीदी चुप, मुझे पता है तू क्या सोच रही। तू यही सोच रही है ना, कहीं कोई भी हमें एक दूसरे से अलग ना कर दे। तो तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैंने जो भी सीखा है मैं वो सब करूंगी, फिर देखना सब हमारी बात सुनेंगे सब। चल चल अभी तू सो जा। चंदा मामा दूर के पोहे पकाए घूर के, खुद खाए थाली में, तितली को खिलाए प्याली में। बोलो दरवाजा, दरवाजा खोल। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। अंकल। हाँ बेटा बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अंकल मुझे बस इतना ही कहना है कि आप मुझे और तितली को यहाँ से जाने दो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, वादा रहा। आप जाने दो ना मुझे। दोनों लड़कियां काफी टाइम से सेक्सुअली एक्टिव है और उन दोनों के यौन शोषण एनजीओ में आने से पहले तक हो रहा था। कौन आ सकता है? उनका बाप या और कोई? क्या लड़कियों ने किसका नाम लिया? वो दोनों तो इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है, खासकर परी। परी, तुम्हारे घर पर कौन कौन है बताओ बेटा। तिथि तुम बताओ। बोलो परी, क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। परी का यौन शोषण अभी तक चलता आ रहा था, जबरदस्ती की जा रही थी उसके साथ, घाव काफी ताजा है। सर यकीन नहीं होता, इतनी छोटी बच्चियों के साथ ये सब,
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पिता किशोर उनके साथ जबरदस्ती कर रहा, उनकी माँ लता को पता चल गया तो किशोर ने लता को मार दी और फिर खुद कर्जे के चक्कर में मारा गया? नहीं अब हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि माँ मर चुकी है, क्योंकि ना हमारे पास कोई सबूत है ना उसकी डेड बॉडी। और डॉक्टर के मुताबिक परी के साथ उसके एनजीओ पहुंचने से पहले भी बलात्कार हुआ, लेकिन उस वक्त तो किशोर लापता था, फिर वो इसके पीछे कैसे हो सकता है? सर ये भी तो हो सकता है कि परी झूठ बोल रही हो कि इसके पिता लापता थे डर के मारे, पर हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये बलात्कार का सिलसिला रुका कब। ठीक है, फिलहाल हम किसी को क्लीन चिट नहीं देंगे, सब शक के दायरे में, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है उसे जल्दी पकड़ना होगा। और ये लता की खोज का पैरीमीटर जो है उसे बढ़ाओ, उसका मिलना इस केस के लिए और भी जरूरी हो गया, पता नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है। घर का कोना कोना चेक करो, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। किचन में चेक करो, मात्रे सर ये मैले कपड़े फोरेंसिक्स में भेज दो। ओके सर। परी के घर से मिले कपड़ों की फोरेंसिक रिपोर्ट सर, ये देखिए सीमेंट ट्रेसेस, 3 अलग अलग सैंपल्स। अगर उनका बाप इन्वॉल्व था भी तो वो अकेला नहीं था, इन तीनों आदमियों को ढूंढ निकालना होगा। आसपास के सभी आदमी के मुझे डीएनए सैंपल्स चाहिए, टेस्ट करवाओ। सर वहां तो कई लोग होंगे। हजार होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक ये अपराधी मिल नहीं जाते हम चैन से बैठेंगे। हो सर। कई मुश्किलों का सामना कर आखिरकार पुलिस ने पूरे मोहल्ले के पुरुषों के डीएनए टेस्ट की अनुमति हासिल की। पुलिस के सामने लगभग 2000 पुरुषों के डीएनए टेस्ट करवाने का असंभव लक्ष्य था। कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प से लैस पुलिस इस काम में जुट गई। बेशक मोहल्ले में कोई भी इस कार्रवाई से खुश नहीं था। लगता है मीडिया को बोलना पड़ेगा, मेरी भतीजी मीडिया में, अभी बुलाता हूँ मैं उसे। आपको जो करना है ना आप कर सकते हैं, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स, तो जांच तो करवानी ही पड़ेगी। अगर आप लोग प्यार से सहयोग करें तो अच्छा है, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब आपके हाथ में, आप जबरदस्ती चाहेंगे या आप प्यार से सहयोग करेंगे? ये क्या मजाक चल रहा है? क्या बोला? मजाक? तुझे ये सब मजाक लग रहा है? दो बच्चियों के साथ बार बार बलात्कार होना मजाक है तेरे लिए? क्यों, तेरे घर में तेरी बेटी के साथ नहीं हुआ इसीलिए? क्या लगा रखा है आप लोगों के नाक के नीचे? आप ही के मोहल्ले में इतना सब कुछ होता है और आप लोगों को भनक तक नहीं लगती? कब जागोगे आप लोग? जब आपके घर में आपकी बेटी के साथ होगा तब। अते सर सबके सैंपल ले लो। ओके सर। और अगर कोई नहीं मानता है तो पता है ना क्या करना है? ओके सर। सर अरे मेरे पास में सर मैंने बताने ले चलो तुम मुझे जूने लम छोड़ साहब बच्चा है सर जल्दी बच्चों के साथ बलात्कार इतनी छोटी बच्चियों के साथ शर्म नहीं आती तुम्हें? अब क्यों रो रहे हो? कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? पुलिस का तमाचा पड़ता ही सारी हवस निकल गई तुम्हारी। माफ कर दो साहब, पर मेरे बेटे को छोड़ दो मत। बच्चे को छोड़ दो? परी और तितली भी किसी की बच्चियां हैं। माना साहब हमसे गलती हो गई साहब, हमने परी और तितली दोनों के साथ गलत किया साहब। मैंने पहले ही बोला था ये साला पैसा डुबा देगा। क्यों रे किशोर, पैसा लेने टाइम भाई पैसा दो पैसा दो पैसा दो, और रिटर्न करने टाइम? किशोर डेड बॉल टाइम बॉल पैसा कब देगा, नहीं तो काट डालेगा तेरे को, समझा क्या? अबे ऐसा तुरंत कैसा बोलेगा भाई, लेकिन पैसा देगा भाई। ए तेरा राख पत्ती बनकर पैसे दे देंगे शपथ, कैसे भी करके आपके पैसे दे देंगे, मैं बोलती है ना। ए ढक्कन पैसा ला, कैसे भी ला, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा तेरी बीबी को और फिर पूरा पैसा वसूलेंगे, समझा? तू अच्छी तरीके से पहचानता है हम लोगों को, पैसे का इंतजाम कर तो चल। क्या चला? तो बर्बाद करके रख दिया। ए चिल्ला मत तू,
मुझे क्या पता था कि पैसे ऐसे अचानक से डूब जाएंगे। एक तो वो लोग आके धमकी देके जा रहे हैं, ऊपर से तेरे नाटक। अरे वो लोग मेरे साथ करेंगे, उनका कुछ नहीं। मोहन भाई थोड़ा सा दाल चावल थोड़ा सामान दे दो। अरे बाबा सामान कैसे खरीदूंगा, कल को तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। मोहन भाई मुफ्त में नहीं चाहिए, पैसे आएंगे ना अभी नहीं है, आएंगे तब मैं दे दूंगी थोड़ा सा दाल चावल। जब पैसे आ जाएंगे तब आ जाना, ठीक है? आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, ये मेरी बच्ची है ना, वो भी आप जो बोलेंगे वो करेगी, है ना बेटा? चाचा जो बोलेंगे हम करेंगे ना। हा? थोड़ा सा दाल चावल दे दो। वो दोनों? हाँ मैं बोलूंगी तो करेगी ना, करेगी वो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ ना। जय को भी खुश करेगी। अब तो पैसे दे दो। पापा परी इतली, मैंने जैसा कहा था ना वैसा ही करना। अभी जय भैया और अरुण अंकल आएंगे ना, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही करना, ना ना नहीं करना। आखिरकार पुलिस ने इन तीन हैवानों को उनके दुष्कर्मों की सजा दिलवाई। अब परी और तितली तो क्या, किसी भी मासूम बच्ची को उनका साया तक नहीं छू सकेगा, लेकिन उस निर्दयी माँ का क्या जिसने अपनी ही बेटियों को इस घिनौने दलदल में धकेला। आखिर ये एक किस्म का देह व्यापारी तो था। एक पल में परी और तितली की माँ लता पुलिस के लिए पीड़ित से अपराधी बन चुकी थी, लेकिन उसके गायब होने से परी और तितली का तो कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे पता है परी, तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के साथ गलत किया, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आया। हाँ क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम्हारी माँ को चोट आई? चॉकलेट लो। पहले मेरी दीदी थी, मेरा आपने छीना। रोना मत बेटा, रोना मत, तुम्हें दीदी के पास ले जा, ठीक है? दीदी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी ना। हाँ जब कोई बुरा आदमी आता था तो उनसे तुम्हें कौन बचाता था? परी दीदी। करेक्ट। और दीदी ने तुम्हें माँ से भी बचाया था ना? नहीं दीदी ने कहा माँ से मत डर, माँ कुछ नहीं करेगी और दर्द भी नहीं होगा। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताओ तुमने क्या किया है तुम्हारी माँ के साथ, बोलो। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। परी हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? परी हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ है तुम्हारी माँ, क्या किया है तुमने उसके साथ? ये बात साफ थी कि लता की वजह से ही उसकी अपनी बेटियों पर भयानक अत्याचार हुए, पर क्या इन लगातार होने वाले जुल्मों ने परी को कोई भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था? परी की चुप्पी सिर्फ उसकी मुश्किलें ही बढ़ा रही थी, पुलिस का शक उस पर पुख्ता हो गया था, लेकिन इस केस से जुड़े सभी इस बात से बेखबर थे कि जल्द ही परी एक और घिनौने अपराध का शिकार होने वाली थी। पड़ोसियों से बात हुई, कोई कुछ खास जानता नहीं। परी कहाँ खेलने जाती थी, किसके साथ खेलती थी, उसके दोस्त कौन थे, सर किसी को कुछ नहीं पता। वाकई में लगता है उसका कोई सच्चा दोस्त था ही नहीं। इसके अलावा उसे स्कूल से एक साल पहले निकाल भी दिया गया, किसी के भी घर आना जाना, किसी से बातचीत, कुछ भी नहीं। कुछ तो करती होगी अकेले ही सही, या शायद तितली के साथ, वो दोनों बहुत क्लोज लगते हैं। एक काम करो, आप तुम तितली से बात करो, वही इस गुत्थी की चाबी है।
जी सर। सर एक मिनट। हाँ बोलो। क्या फिर से? सर परी एनजीओ से फिर से भाग गए। व्हाट? जी सर, सर मेडिकल विजिट के दौरान। अरे देखा नहीं मतलब क्या है? सो रहे थे क्या आप लोग? पूछा आपने किसी से? किसी ने तो कुछ देखा होगा। कोई आया था क्या जिसके साथ वो गई हो? कोई नहीं सर, और हम लोग तो यहाँ से हिले भी नहीं थे। पता नहीं फिर वो कैसे। सर हमने सिक्योरिटी से ही पूछा लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। सिक्योरिटी के बात छोड़ो, उनके रहते हुए क्या हो रहा है दिख रहा है। आप तो सीसीटीवी फुटेज चेक करो अंदर का और बाहर का, और देखो आखिरी बार परी को कब देखा था। और तितली, तितली कहाँ है? तुम्हारी माँ कहाँ है बोलो? पहले मेरी दीदी से मिला। हाँ बेटा मिलवाएंगे, उससे मिलवाएंगे, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। जल्दी चला, ज्यादा फड़फड़ा मत, मुंह से ऊ तक निकाली ना तो तेरी बहन को काट के रख दूंगी मैं, समझ गई? बचाओ, कोई हमें बचाओ, मैं मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, बचाओ। बोलो सर। ये देखिए ये आदमी और ये लाल गाड़ी जो गेट के बाई तरफ पार्क है। अब ते एपीबी इश्यू करो, आसपास के 6 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी लगवाओ, और ये नंबर से ओनर के डिटेल निकालो। लगता है ये पर्सनल दुश्मनी का मामला है, परी को किसी भी हालत में हमें बचाना है। ये लो पैसे और इसको ठिकाने लगाओ। पता चलते ही मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? सर सभी जगह नाकाबंदी लगवा दी, गाड़ी की डिटेल्स हर जगह पे भेज दी। ये देखिए गाड़ी के ओनर की डिटेल्स। ये इसे तो मार मार के सच उगलवाएंगे। साहब मैं तो यहाँ जेल में हूँ, तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ साहब? कर नहीं सकता लेकिन करवा तो सकता है ना। हाँ ये देख इसकी ये गाड़ी मेरी है साहब। और ये आदमी कौन है? सब कसम खा के बोलता हूँ साहब, कौन है ये मैं नहीं जानता। ये देख अब की बार अगर झूठ बोला ना यही उल्टा लटका के मारूंगा तुझे। सब कुछ सच सच बता दे। सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। कस्टडी ठेवाया ला। सर अरुण को कुछ नहीं पता, वो गाड़ी तो उसी की है लेकिन वो जानता नहीं कि वो आदमी कौन। समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी गई कहाँ, ना किसी पोस्ट से हमें कोई अपडेट मिल रही है और ना उस आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो रही है। बेचारी परी, पहले बलात्कार और फिर जान को खतरा। सर, तितली आपको हेलो बोलना चाहती है। वो क्या है ना, मैंने उसको समझाया कि उसकी बहन को जान का खतरा है, तो वो अच्छी बच्ची है ना, इसलिए वो आपसे बात करना चाहती है। हाँ तितली है ही अच्छी बच्ची, दीदी ने तितली को हमेशा बचाया है, अब तितली परी दीदी को बचाएगी। दीदी हमेशा पावर हाउस के पास खेलने जाती थी। पावर हाउस? हाँ, जो घर के पास है। दीदी कहती थी वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। यादव पीछे जाके देखो। सर मात्रे ओपन कराए। उठाओ उसे जल्दी। यही है क्या? हाँ यही कहीं था, माँ ढूंढो ना मिल जाएगा। कितना कचरा है परी यहाँ पे, एक तो चांदी की है, दूसरी मिलेगी भी नहीं। यहाँ देखते हैं ना। कहाँ? यहाँ। यहाँ पे क्या करने आई थी परी? यहाँ पे कैसे मिलेगा, चांदी की थी। ए परी, परी परी बंद क्यों किया दरवाजा, खोल। परी देख बहुत बार होगी बाहर आके, खोल दरवाजा, बहुत हो गया। परी माँ, अब तेरी वजह से मुझे और तितली को किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तितली को कितना दर्द होता था, मैंने तुझे बोला भी था, तो फिर भी। देख ज्यादा दिमाग मत चला, खोल दरवाजा, बाहर आके गला दबा दूंगी तेरा, खोल। नहीं खोलूंगी। देख मैं तेरी माँ हूँ, बहुत बुरा होगा तेरे साथ, खोल। परी खोल दरवाजा। छोड़ गई मरने के लिए अपनी ही माँ को। और क्या करती वो, अपनी ही बेटियों के साथ तूने क्या किया? मासूम बच्चियों को खुद गैर मर्दों के हवाले कर दिया।
ऐसे नहीं थे साहब। ऐसे का इंतजाम कर, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा तेरी बीबी को। कुछ चारा नहीं था साहब, इसलिए लड़कियों को भेज दिया। चंद पैसों के लिए अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझी? ये कैसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से अपनी ही बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाई। बहरहाल पुलिस अब भी परी को बचाने में जुटी थी, इससे पहले कि अपहरणकर्ता उसे और नुकसान पहुंचाए। लेकिन पुलिस की लगाई नाकाबंदी से भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर में पुलिस को तब जाकर बढ़त मिली जब उन्हीं की हिरासत में कैद परी के पड़ोसी अरुण को कुछ याद आया। अरुण की पत्नी हो ना तुम? हाँ। अरुण ने कहा है कि गाड़ी की एक एक्स्ट्रा चाबी है जो तुम जानती हो कि घर में कहाँ रखी है। घर पे ही होगी। पूरा घर छान मार लिया, चाबी नहीं मिली। तो चोरी हुई होगी। अच्छा, चोर तुम्हारे घर में घुसता है, गाड़ी की चाबी लेके चला जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। अरुण ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। तुम नफरत करती थी ना लता और उसकी दोनों बेटियों से। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति उनसे मिले, और उसके बदले में क्या मिला? उन दोनों ने तुम्हें ही घर से निकाल दिया है ना। बताओ परी कहाँ है? अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने तुम्हें देखा है खुद गाड़ी चला के यहाँ से जाते हुए और रिक्शा में लौटते हुए। तेरा हर झूठ पकड़ा गया है। वैसे भी तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे ने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बर्बाद उन तीनों ने की मेरी जिंदगी। हमारा अच्छा खासा घर था, पूरा खराब कर दिया। वो तीनों गिरे हुए लोग हैं। पहले तो मेरे पति और बच्ची को छीन लिया मुझसे, फिर उनको जेल भिजवा दिया। पर वो दोनों, तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा, वो क्या दूध के दूल्हे? अरे बच्चियां हैं वो दोनों, एक 12 साल की और एक 6 साल की। उनके साथ बलात्कार कर दिया, तुम्हें बच्चियों पे गुस्सा आया, लेकिन तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की हैवानियत पे गुस्सा नहीं आया। हाँ परी कहाँ है? चल बैठ यहाँ। आज तो तुझे ना जिंदा गाड़ दूंगा। मुझे अपने पति और बच्ची को बचाना था। अगर परी मर जाएगी तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा, और फिर उन दोनों को सजा भी तो नहीं होगी। बस मैंने अपने भाई को कह दिया कि ये पैसे पकड़ और उसको ठिकाने पे लगा। परी, परी घबराओ मत, हम आ गए। परी तितली ठीक है बेटा, उसी ने हमारी मदद की तुम्हें बचाने में, हम तुम्हें उसी के पास ले जाएं। दूसरों के लालच ने इन दो बच्चियों की जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। अपने जीवन के बिखरे टुकड़ों को समेटती इन दो बहनों के घाव शायद ही कभी भर पाए। आइए मिलकर इस लालच को जड़ से मिटाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।